अजमल साहब, चाहे मिनिस्टर आए या कोई एम्बेसडर आए, बाबू वेडिंग बेल्स भरोसे और एतमाद का नाम है। आपको बेहतरीन सर्विसेज मिलेंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप ऐसा करें कि आप शाम को आ जाएं, मैं आपको एस्टिमेट भी दे दूंगा और मुकम्मल ब्रीफिंग दूंगा। ठीक है, शाम में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। मट्टी कहाँ है? क्या खुद ही जाकर देखना पड़ेगा? मती, आई स्वेयर मम्मा, ये ससुराल नहीं, एक टॉर्चर सेल है। और यहाँ ना सिर्फ गुलजार अंकल का अंधा कानून चलता है। रूमी, गलत बयानी मत करो, उस घर में गुलजार साहब सबसे हम्बल और सबसे लविंग पर्सन है। हाँ, वो बहुत स्वीट है, इसलिए तो मेरा फोन छीन कर रख लिया अपने पास। हाँ, तो इसके पीछे भी तुम्हारी और हाशु की कोई मस्ती होगी। आई प्रॉमिस कोई मस्ती नहीं है, बस उनको शौक है कि हम सांस भी ना उनसे पूछ कर ले। हर दिन कोई नई पाबंदी लगा देते, तो दम घुटने लगा इस घर में। ऐसे तो नहीं लगता गुलजार साहब। मैंने तो स्वीटी को साफ साफ कह दिया है, मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, या मुझे अलग करे या मुझसे अलग हो जाए। तो फिर क्या कहा उसने? क्या कहेगा, कल से साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। बेटा, आप तहम्मुल से काम लो और सब घर वालों को समझने की कोशिश करो। मम्मा, तो वो भी तो अपने बहू को समझने की कोशिश करें। इस घर में प्रिवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बच्चों के दोनों बच्चे मुंह उठा के किसी भी कमरे में घुसाते हैं, समझे, हर कोने में सीसीटीवी कैमरा घूम रहा होता है। ठीक है, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन बेटा तुम भी तो कुछ समझो ना। ऐसे नहीं करते, एडजस्ट करते।